शेयर बाजार में सोमवार को भले ही अच्छी खासी खरीदारी लौट कर आई हो, लेकिन अब भी इसकी दिशा को लेकर निवेशकों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या यहां से गिरावट और बढ़ेगी या बॉटम टेस्ट कर लिया है, या फिर 25 जुलाई को शुरू हुआ गिरावट का दौर अब अंतिम चरण में आ पहुंचा है। यहां से नई खरीदारी क्या की जा सकती है, या अपने पोर्टफोलियो में बचे हुए कुछ स्टॉक्स जो है उन्हें सब निकालकर अब कैश में बैठने का वक्त आ गया है। ऐसे हर शेयर पर ढेर सारे लोगों के सवाल हैं जो जानना चाहते हैं कि यहां से आगे स्थिति क्या रहेगी, चाहे वो मिड कैप्स की बात हो या फिर स्मॉल या फिर लार्ज कैप्स की। हमने आपके लिए खास कार्यक्रम तैयार किया है जहां पर हम ये सवाल पूछेंगे कि मिड कैप शेयरों में इस माहौल में क्या करना चाहिए। मैं हूं हर्षदा सावंत और इस खास शो में हमारे साथ मौजूद है हमारे दो खास मेहमान, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च दलजीत सिंह कोहली और फुलर्टन सिक्योरिटीज के नेशनल हेड विजय चोपड़ा। इन दोनों से हम समझेंगे कि मिड कैप शेयरों में इनकी क्या राय है, कहां पर पैसा लगाया जा सकता है, खास तौर से वो शेयर जो 25 जुलाई के बाद लगातार गिरे हैं, सबसे ज्यादा गिरावट जिन शेयरों ने दिखाई है उनमें क्या रणनीति आपकी हो, क्या वो खरीदने लायक है या फिर उनसे अब दूर भागने का ही मौका है। और उनसे ये भी समझेंगे कि इस बाजार में अगर मिड कैप्स में किसी को पैसा लगाना है वो कहां पर लगाया जाए। आप दोनों का ही स्वागत है। दलजीत, मैं सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूंगी। थोड़ी बहुत रिकवरी इस हफ्ते की शुरुआत में जरूर दिखाई है बाजार ने, क्या ये टिकाऊ है या फिर अब भी ये मानकर चले आगे कुछ और खराब दिन देखने को मिले? जी हर्षदा, ऐसा लगता है कि ये टिकाऊ नहीं रहेगी ज़्यादा। ये पिछले लगातार पाँच छः दिन जो हमने गिरावट देखी है तो उसके बाद एक स्वाभाविक है कि बाउंस बैक आना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड था, तो वो उस तरीके का बाउंस बैक आया है। ऐसा लग रहा है कि और शायद थोड़ा बहुत बाउंस बैक कल को थोड़ा कुछ और छोटा मोटा ऊपर दिख जाए, बट उसके बाद फिर ये कंसर्न्स जो हैं, क्योंकि अगर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो गिरावट आई ये किस कारण से आई, वो कारण अभी भी अगर बने हुए हैं तो फिर उसमें सस्टेनेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। कारण क्या है? कारण है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की तरफ से जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं, तो अगर वो दोनों चीज़ों को मिलाएं तो उनमें कहीं पे भी कोई ऐसा सुधार नज़र नहीं आया, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है रैली, ये पुल बैक रैली है, ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है। अभी हमारे ख्याल से थोड़ा और रुकना चाहिए, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व होने दिया जाना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा बाहर रुक के, कोई जल्दी नहीं है खरीदने की, थोड़ा रुक के इंतजार करके फिर एंटर करना चाहिए। विजय, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस बाजार में? आज ऑफकोर्स एक रिस्पाइट मिला है जैसे कोहली साहब भी कह रहे थे, लेकिन क्या खरीदारी के लिए आप तैयार हैं, पैसा लगा रहे हैं इस बाजार में या फिर आप भी कुछ और टाइम देंगे? देखिए, फंडामेंटली बाजार में अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। अगर जिस तरह का बाउंस बैक हमने आज देखा, मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक एक या दो सेशन से ज्यादा लास्ट नहीं करेगा, और जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर निवेशकों को बाहर आना चाहिए स्टॉक से, और वहां पर अगर कहीं प्रॉफिट बना रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, तो दे शुड ट्राई एंड सिट ऑन कैश। मुझे लगता है कि अभी भी जो संकट के बादल हैं वो हटे नहीं हैं, तो इस कारण से हम एक बार फिर से एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में देखिए या यूरोप में देखिए या डोमेस्टिकली देखिए, कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसके वजह से बाजार ऊपरी दौर पकड़े। तो मेरे हिसाब से फिलहाल वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रहेगी और निवेशकों को जितना हो सके कैश पर बैठना चाहिए। यहाँ पर सारे जानकार तो कह रहे हैं जितना हो सके कैश पर बैठना चाहिए, क्योंकि लेकिन इस मार्केट में अगर आप देखें, खासतौर से हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट तैयार की है 25 जुलाई से, जहां पर हमने देखा है बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई है। स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें 50% अब तक की गिरावट है, कुछ ऐसे भी जहां पर 30-35 तक की % की भी गिरावट देखने को मिली है। इनमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गिरावट भी देखी गई है, क्या भी अट्रैक्टिव लगने लगे हैं या फिर यहाँ पर जोखिम इतना ज्यादा है कि यहाँ से और टूटने की भी संभावना है? हम ये नहीं कह रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि इनमें खरीदारी करनी चाहिए, हम आपके लिए बस इवैल्यूएट करके सामने रख रहे हैं ऐसे शेयर जिससे आपको शायद सतर्क रहना चाहिए, या फिर ऐसे शेयर ये होंगे जिनमें खरीदारी के मौके भी सामने दिखाई देंगे। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ जिनमें हमने देखा है सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पर सरप्राइजिंग नहीं है, SKS माइक्रोफाइनेंस इस लिस्ट में होगा ही। ये BSE 200 वाले स्टॉक्स हैं, तो ये हर कोई मिड कैप स्टॉक नहीं है। ये एक ऐसा शेयर था जहां पर काफी ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया और काफी ज्यादा पैसा गंवाया भी है। स्टॉक की चाल देखें, 25 जुलाई को इसी साल में 500 के ऊपर मिल रहा था शेयर, लेकिन अब इसके हाल देखें तो 250 के आसपास मंडरा रहा है, 50% से ज्यादा की गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है। कोहली साहब,
कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ है ये शेयर, लेकिन जिस तरह से नुकसान देखने को मिला है, जो 500 पर स्टॉक पर नजर डालते थे लोग कहते थे महंगा है, इन लेवल्स पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये स्टॉक हर समय महंगा है क्योंकि जब इसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है तो उसके लिए कोई भी वैल्यू देना गलत है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों बोलते हैं, पहली चीज ये एक जनरल जो अपन ने अभी बात करी कि इस मार्केट में जो गिरावट आई उसमें जो हमने तीन चीज़ें खास देखी है वो ये हैं कि जिन भी स्टॉक्स में FII ओनरशिप बहुत ज़्यादा है या फिर कंपनी में लीवरेज बहुत ज़्यादा है, और तीसरा जिनका एक्सटर्नल डिपेंडेंस ज़्यादा है, मतलब कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वो तीनों चीज़ें जहाँ पर हैं या तीनों में से कुछ भी है तो वो स्टॉक बहुत बुरी तरह से इस मंदी में पिटे हैं और वो ऐसा आगे भी रहने वाला है क्योंकि ये सब इंटरनेशनल मार्केट की वजह से है। अब जो SKS की बात करें अगर हम, तो जो इनका बिजनेस है माइक्रो फाइनेंस का, वो एक अपने आप में बिजनेस मॉडल ऐसा है जहाँ पर इतना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, एक तरीके से नॉन सिक्योर लैंडिंग सारी की सारी है। जब इंटरेस्ट रेट इतने तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और जब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस तरीके का बना है जैसा आजकल बना हुआ है, तो वहाँ पर नॉन सिक्योर्ड लैंडिंग को वापस लेना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसमें NPAs होना, उसमें नुकसान होना बहुत स्वाभाविक बात है और बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी केस सिचुएशन में उस स्टॉक को एक बिजनेस बेसिक फंडामेंटल ही नहीं है उसके, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। और उसके ऊपर से अगर उसमें वैल्यूएशन कम्फर्ट ना हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, अगर आप देखें तो ये आज की डेट में 250 पे भी लगभग 2x बुक पे काम कर रहा है। तो जब मेरे को SBI, PNB ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो इससे कहीं बेहतर है और इससे कम वैल्यूएशन पे मिलेंगे, तो व्हाई आई शुड बाय दिस स्टॉक? तो वहां आई थिंक वन शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। राइट, राइटिंग इज क्लियर ऑन द वॉल। जैसे कोली साहब कह रहे हैं कि दूर रहिए, भले ही यहां पर 0.5% तक की गिरावट आ गई हो, इस स्टॉक में कोई तथ्य नहीं है कि आप पैसा लगाएं और फंसे हैं, तो फिलहाल एग्जिट की भी स्ट्रेटेजी पर गौर कर सकते हैं। IVRCL इंफ्रा, ये भी एक स्टॉक जहां पर हमने देखा करीब करीब 48% तक की गिरावट देखी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी काफी ज्यादा रोबस्ट थी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में ही हमने देखा जिस तरह से पिटे हैं ये शेयर। विजय, आपकी क्या सलाह होगी, अभी जोखिम है इन स्टॉक्स में? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में यदि इस समय कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मेरा ये व्यू होगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी अभी भी इंडिया में इंटैक्ट है। यू टॉक अबाउट स्टॉक लाइक IVRCL 31-31 के भाव पे आज अवेलेबल है, मुझे लगता है कि ये 26-27 के लेवल्स पे भी मिलेगा और तब वहाँ पर पोजिशन बनाई जा सकती हैं क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। कुछ प्रॉब्लम रही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हाई रहा है, तो डेट की जो काफ़ी है इस समय किताबों पर, उसमें कुछ बैलेंस शीट्स वे डाउन हुई हैं। मगर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें और ऑर्डर बुक देखें और जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखें कंपनी की, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा रुक कर करीब 25-26 के लेवल्स पे ये स्टॉक मिलता है तो वहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एटलीस्ट 12-18 महीने तक के पर्सपेक्टिव से निवेशक इसमें निवेश करें। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स आगे कुछ और नुकसान भी देखने को मिल सकता है, तो तुरंत खरीदारी ना करें, धीरे धीरे करके लेने का मौका है। 25 के आसपास शायद अब ये बेहतर स्टोरी रहेगी, लेकिन याद रखिए ये ट्रेडिंग बेट नहीं रहेगा, उत्तर अगले दिन भागने वाला नहीं है, 12 महीने से ज्यादा का ही समय आपको इस शेयर में देना होगा। एक और स्टॉक जहां पर हमने देखा एडुकॉम सॉल्यूशंस, और काफी ज्यादा नेगेटिव खबरों में भी ये घिरा था, कुछ CBI के छापे भी पड़े हैं, IT डिपार्टमेंट के यहां पर छापे पड़े हैं। कोली साहब, इस पर आपकी क्या व्यू है, क्या ये ठीक लग रहा है या फिर यहां पर भी आगे का खतरा है SKS जैसे? जी हाँ, खतरा है। इनफैक्ट ये जो आज पुलबैक आया है इसमें अपॉर्चुनिटी है बाहर निकलने की, जो भी इसमें इन्वेस्टर हैं उनको इसमें से निकलने की राय होगी, क्योंकि अगर आप देखें एक तो वैल्यूएशन वाइज देखें तो इतना गिरने के बाद भी ये अपने सेक्टर में अभी भी सबसे ऊपर है। EV/EBITDA के ऊपर देखें तो 5x पे मल्टीपल पे चल रहा है, जबकि NIIT इससे कम में 4.5 पे मिलता है। एवरॉन जिसकी ग्रोथ इससे ज़्यादा है वो 4x पे मिलता है, तो वैल्यूएशन कम्फर्ट बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी ग्रोथ काफ़ी कम हुई है, जो इनके जो मेन स्टे है जो डिजिटल मीडिया का, जो K12 वगैरह सूट का, वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी कम है। तीसरी चीज़ जो इनका मास वाला काम था गवर्नमेंट स्कूल वाला, वो एक तरीके का कमोडिटाइज बिजनेस हो गया है जहाँ पर उतना प्रॉफिट नहीं रहा है, तो वहाँ पर लोकल वेंडर्स का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इनके ऊपर लोन बहुत बड़ा है, 1000 करोड़ की टॉप लाइन है और 1000 करोड़ का लोन है, तो आज के सिनेरियो में जिसके पास इतना बड़ा लोन है उसके लिए तो अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होगा, ऐसे स्टॉक से निकलना ही बेहतर है। चलिए, डेट बर्डन कंपनी है, आगे काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज के घेरे में भी आई है ऑफ लेट, और यहाँ पर भी भले ही 41% नीचे मिल रहा हो ये शेयर,
यहाँ पर भी एक बाय कॉल फिलहाल हमारे दोनों जानकारों की ओर से नहीं है। विजय भी कह रहे हैं कि इसको आप अवॉइड ही करें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ऐसे कुछ और शेयर हैं जहाँ पर हमने देखा है काफी ज्यादा गिरावट है, लिस्ट लंबी है। स्कॉट्स जैसे शेयर इसमें शामिल है, HDIL जैसे शेयर शामिल है, जेट और स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स भी शामिल है। इनमें क्या रणनीति होनी चाहिए, हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। आपका फिर स्वागत है CNBC आवाज पर इस खास शो में, जहां पर हम आपको सलाह दे रहे हैं कि मिड कैप शेयरों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या इन स्टॉक्स को खरीदा जाए या फिर इनसे अभी भी दूर रहें। ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफी सस्ते मिल रहे हैं, 50-50% टूटे हैं। कुछ स्टॉक्स की बात हमने पहले की, IVRCL जैसे, SKS जैसे, लेकिन एविएशन स्टॉक्स की अगर बात करें तो जेट एयरवेज और स्पाइस जेट दो ऐसे स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। इनफैक्ट ये दोनों ही शेयर 40-38% नुकसान दिखा चुके हैं 25 जुलाई के लिहाज से। हम देखें सबसे ज्यादा वैल्यू इरोजन यहीं पर देखने को मिला है। मुझे यहां पर आपकी क्या रणनीति होगी, क्योंकि दो पॉजिटिव्स मुझे सामने दिखाई देते हैं। एक लोड फैक्टर इन कंपनियों का ठीक है, बढ़ता जा रहा है, आगे वो ट्रैवलिंग सीजन भी आएगा छुट्टियों के चलते, वहां पर फायदा मिलेगा। साथ ही कच्चे तेल में काफी ज्यादा गिरावट आई है, तो वो दो पॉजिटिव्स है, लेकिन क्या वो दो पॉजिटिव्स रीजन इनफ है इस स्टॉक को खरीदने के लिए या फिर इनमें पोजिशन होल्ड करने के लिए? देखिए, अगर आप एयरलाइन स्टॉक्स की बात करें या एयरलाइन कंपनीज की बात करें, तो पूरे विश्व में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो कि प्रॉफिट बनाती हैं। इन दो पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में बात करें, जेट के बारे में और स्पाइस के बारे में, तो दोनों का बिजनेस मॉडल अलग है, एक लो कॉस्ट कैरियर है और एक प्रीमियम कैरियर है। तो जहां तक स्पाइस जेट की बात है, तो वहां पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू जेट। दोनों की किताबों, दोनों स्टॉक्स में हम ये देखते हैं सिमिलैरिटी कि दोनों कंपनीज में डेट बर्डन बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी वे डाउन हो जाती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं दोनों कंपनीज में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि इसमें एंट्री की जाए। तो फिलहाल इन स्टॉक से दूर रहें। चले, यहाँ पर एविएशन स्टॉक से भी दूर रहें, डेट बर्डन एक मेजर प्रॉब्लम फैक्टर रह सकता है। कोहली साहब, आप भी अग्री करेंगे? जी हाँ, ये सब पॉइंट्स तो हैं ही, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि शायद एक थोड़ा ट्रेडिंग बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि काफ़ी तेजी से गिरे हैं ये और काफ़ी दिनों से गिर रहे थे, तो इसलिए शायद कुछ ट्रेडिंग बाउंस बैक 10% के आसपास का मिल सकता है, 10-20% तक का। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो वो ले सकता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कभी भी इसमें राय नहीं देते हैं, प्योरली बिकॉज ये बिजनेस ऐसा है जिसमें कभी प्रॉफिट होता ही नहीं। तो जैसा इन्होंने भी कहा, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी किसी कंपनी ने प्रॉफिट, बहुत ही कम कंपनी ऐसी हैं मेरे को शायद एक भी नहीं है ऐसी जो प्रॉफिट बनाती है, तो इसमें बिजनेस की इनहेरेंट प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई दे डोंट मेक मनी, सो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम सच अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट, बट ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन है। चले, शायद ट्रेडिंग के लिए एक ऑप्शन हो, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स नहीं जो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कमा कर देंगे। कुछ स्टॉक्स जो फेवरेट रहा करते थे एक समय में, वो रियल एस्टेट स्टॉक्स थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से हमने देखा लगातार यहाँ पर बस नेगेटिव स्थिति ही देखने को मिल रही है। HDIL एक स्टॉक, विजय मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कोहली साहब ने हमेशा मेंटेन किया अपना व्यू कि रियल एस्टेट में पैसा नहीं बनेगा इस बाजार में। HDIL इसकी पेडिग्री देखकर आपकी क्या थॉट्स हैं, 36% नीचे आया है? देखिए, जहां तक रियल एस्टेट स्टॉक्स की पेडिग्री है, दो तरह की कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, एक कंपनीज जो लिवरेज हैं, जो ज्यादातर कंपनीज इसके अंदर आ जाती हैं, और जो 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 जिनमें लिवरेज नहीं है, जैसे ओबरॉय रियलिटी इज वन ऑफ द स्टॉक्स ऐसी। तो जहां तक HDIL की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से डेट बर्डन अभी भी बुक्स पे है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना बढ़ गया है, ऑफ टेक बहुत स्लो है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से जो जो सेंटिमेंट है रियल एस्टेट की तरफ, वो बहुत वीकन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल समय नहीं है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए, रियल एस्टेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, बहुत दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पर इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। तो फिलहाल दूर रहें किसी भी रियल एस्टेट स्टॉक से, और जब तक मार्केट सेटल डाउन नहीं हो जाता, तो मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं। चले, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, और ना ही कोहली साहब का भी कंफर्टेबल रहे हैं रियल एस्टेट में पैसा लगाने के लिए। लेकिन एक प्लेस जहां पर आपको थोड़ी बहुत कंफर्ट दिखाई दे रही है कोहली साहब, एस्कॉट्स। ऑफ कोर्स ये रिलेटेड टू द एग्रेरियन स्टोरी, अच्छी खासी डिमांड ट्रैक्टर्स की अगर बनी रहेगी तो फायदा मिलेगा, लेकिन क्या ये कंपेलिंग बाय है इस समय?
जी हाँ, एक्चुअली ये स्टॉक ने हमें थोड़ा निराश किया है, क्योंकि हम लोग 130 रुपए के आसपास इसको रेकमेंड करके रुके हुए हैं, बट ये पिछले दो क्वार्टर में लगातार इन्होंने काफ़ी बुरी परफॉर्मेंस दी है, बट शायद वो टेम्प्रेरी है, वो आगे चल के ठीक हो सकती है, क्योंकि मार्जिन्स में प्रॉब्लम है, सेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ट्रैक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो वो 20% के आसपास ग्रो कर रही है, और इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी होने की वजह से उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। तो हमको लगता है कि अगले 3-4 साल के लिए ये एक अच्छा बेट हो सकता है। वैल्यूएशन लगभग आज की डेट में अगर हम देखें तो 3-4 के मल्टीपल पे ही अवेलेबल होगा। इसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रही है इस स्टॉक की, क्योंकि मैनेजमेंट ने ओवर प्रॉमिस किया है और अंडर डिलीवर किया है, और आज की मार्केट में जो ऐसा करेगा तो नेचुरल है उसकी पिटाई होगी, तो वो उस वजह से ये इतना बुरी तरीके से गिरा है। ओवर ओनरशिप थी जब 200 रुपए के आसपास बहुत सारे FIIs ने खरीदा था, तो शायद वो लोग सब निकल गए। आई थिंक सेलिंग अब रुकेगी, इस लेवल पे आकर के रुक जाएगी, और कंपनी अगर अपना काम ठीक ठीक कर रही है, इवन इफ 10% मार्जिन भी मेंटेन करती है, तो इसमें बने रहने में कोई बुराई नहीं है। तो आज जिनके पास है 130 का लिया हुआ वो तो रुक ऐड कर सकते हैं, और जो लोग नहीं अभी तक घुसे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिड कैप्स में, जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे कुछ और शेयरों पर राय लेकर आएंगे जिनमें काफी ज्यादा धुलाई हुई है, आगे क्या खरीदारी बनती है या फिर नहीं, और साथ ही हमारे जानकार के रेडार पर कौन से शेयर हैं जिनमें पैसे लगाया जा सकता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ब्रेक के बाद मिड कैप शेयरों में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर काफी सारे रिटेल निवेशक पैसा लगाते हैं, उसी पर हमारी खास कार्यक्रम। हमारे साथ है विजय चोपड़ा और साथ ही साथ दलजीत सिंह कोहली। और विजय, ढेर सारे स्टॉक्स की हमने बात की है, आलोक इंडस्ट्रीज एक स्टॉक आया है जो ट्रेडर्स फ्रेंडली रहा है हमेशा से, लेकिन जिस तरह से स्टॉक में हमने देखा है काफी ज्यादा बिकवाली का भार आया, ये भी 34 से 35% टूटा है। क्या यहाँ पर आपको लग रहा है 17 के आसपास कुछ खरीदारी बनती है या फिर आगे और बिखरेगा ये शेयर? देखिए, मुझे लगता है यहाँ से कम 10 से 15% तक का और नीचे की तरफ हम देख सकते हैं इसके भाव आते हुए, मगर जिस प्रकार से इसकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह से इन्होंने अपने जो कोर बिजनेस है इनका टेक्सटाइल्स का, उनमें स्पिंडल्स ऐड किए हैं, कैपेसिटीज ऐड की हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं केस है कि हम 15 रुपये के लगभग, 14.5-15 के लगभग इसमें बाइंग पोजिशन बना सकते हैं, और जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव स्टॉक में रह सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। बीच में इन्होंने कुछ रियल एस्टेट में भी वेंचर किया था, जिसमें इन्होंने कुछ डिसेंट मुनाफे कमाए हैं, तो मेरे हिसाब से करीब 15 रुपए के लेवल्स पे इसमें एंटर किया जा सकता है। 15 के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज में आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन दूसरे कौन से शेयर हैं? अगर इनमें से कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं, हमारे जानकारों की पिक्स ले लेते हैं फटाफट से। कोहली साहब, मिड कैप्स में आप कहां पर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं इस समय? देखिए, दो हमारे कवरेज में स्टॉक्स हैं, एक अजंता फार्मा है और एक बैंक्स में है, छोटे बैंकों में इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक भी अच्छा है। लेकिन अजंता फार्मा हमको क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो जैसे हमने पहले सेगमेंट में बात की थी, जो 3 क्राइटेरिया इस मार्केट में गिरने के थे, वो तीनों में कहीं ये स्टैंड नहीं होना चाहिए। तो कंपनी के पास बहुत कम डेट है, कंपनी का इंटरनेशनल एक्सपोजर US और यूरोप के लिए 0 है, अभी तक वहाँ पर कुछ नहीं बेचते हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह के लिए बेचते हैं, तो बट वो इम्पैक्ट नहीं है, और कोर फंडामेंटल्स जो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के, वो इंटैक्ट है। तो ऐसे केस में और वैल्यूएशन वाइज ये केवल 7-8 टाइम पे अवेलेबल है, तो जबकि इसके पीयर्स जो हैं वो 12 टाइम पे मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारे को कंफर्ट वैल्यूएशन का, कोर बिजनेस का और करंट सिनेरियो का सारा वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है, इसलिए इसमें बने रहेंगे। 285 के आसपास बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है, हमारा पहले भी कॉल इसमें रहा है, और 450 के आसपास इसका टारगेट रहेगा। इलाहाबाद बैंक एक छोटा बैंक, अच्छा बैंक है, अगर आप देखें पिछले 2 क्वार्टर से बहुत सारे बैंकों ने अपने नंबर्स में काफ़ी कुछ उथल पुथल की है, जिससे कि विंडो ड्रेसिंग जिसको आम भाषा में बोलते हैं, जिससे कि अपने नंबर्स को अच्छा कर सके, बट ये एकमात्र ऐसा बैंक है जिसने विंडो ड्रेसिंग का सहारा बिल्कुल नहीं लिया, उसके बावजूद बहुत अच्छे नंबर्स दिए, तो फिर भी ये इस मार्केट फॉल में थोड़ा नीचे गिरा है, बिकॉज ओवरऑल कंसर्न्स है कि निम्स प्रेशर में आएंगे, एसेट क्वालिटी प्रेशर में आएंगे, मुझे लगता है वो सब होगा लेकिन बाकियों के मुकाबले बहुत कम होगा,
इसलिए इसको देखना चाहिए। अराउंड 1.2 टाइम्स की मल्टी प्राइस टू बुक एडजस्टेड बुक फॉर FY13 पे मिलता है, विच इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस फॉर दिस बैंक, सो इसको भी देखना चाहिए। अलाहाबाद बैंक को, आंध्रा बैंक भी इसी श्रेणी में आता है, वो भी अच्छा बैंक है, वहाँ पर भी जो पिछले दिनों जो कंसर्न्स थे वो सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो आई थिंक वो भी एक अच्छा बैंक देख सकते। ओके, तो अजंता, आंध्रा और इलाहाबाद बैंक तीन पिक्स। विजय, आप कहाँ पर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं इस समय? देखिए, जहाँ पर मार्केट की आंधी थमती है, मुझे लगता है कि दो तीन स्टॉक्स हैं जो रिकमेंड करना चाहूंगा। बायोकॉन है जो मुझे अच्छा लगता है, इन लेवल्स पे 325-30 के भाव पर अवेलेबल है, तो कहीं पे 315-310 के लेवल्स पे मिलता है तो इसमें पोजीशंस बनानी चाहिए, और 450 का स्तर मुझे लगता है इसमें आएगा। कारण ये है कि ये इस समय बड़े अच्छे लेवल पर स्टैटिन्स मैन्युफैक्चर करते हैं और APIs मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छे हैं, तो उस हिसाब से बायोकॉन एक अच्छी स्टोरी है। दूसरा जो स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, नवनीत पब्लिकेशंस है, वो करीब 80 के टारगेट के लिए, सॉरी 85 के टारगेट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, अभी करीब 78 से 80 के लेवल्स पे मैं इसको रिकमेंड करना चाहूंगा, वहां पर वहां तक ये जा सकता है। ओके, तो नवनीत पब्लिकेशंस और साथ ही बायोकॉन, ये है इनफैक्ट वो दो पिक्स जो विजय को पसंद है और इस समय इनमें आप बेहतर रिटर्न्स कमाएंगे। शुक्रिया आप दोनों का। कोई डिस्क्लोजर विजय? इन किसी भी स्टॉक्स में मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, क्लाइंट्स की अवश्य हो सकती है। कोहली साहब? जी हाँ, ये सारे स्टॉक्स हमारे रेकमेंडेड हैं और इसमें क्लाइंट्स की, मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं। धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो बाजार अब भी ऐसा नहीं हुआ है जहां पर आप जम कर खरीदारी करना शुरू करें, फूक फूक के कदम रखना काफी अहमियत रखेगा। इस तरह के मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो आपको बिखरे पड़े नजर आएंगे, लेकिन फंडामेंटल्स के बेसिस पर ही आप इनमें दाव लगाएं, वरना नहीं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।